हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस कीमा मी सेवई ईद स्पेशल। इसको आप ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तो मैंने लिया है एक बर्तन, इसमें डाल दिया है मैंने आधा कटोरी चीनी की और 1.5 गिलास पानी का डाला है। इसको मैं चीनी मेल्ट होने तक पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए। और इलायची का पाउडर डाल दिया मैंने 1 चम्मच। और साथ में डाल दिया मैंने ऑरेंज कलर 1 पिंच लिया है। हमारी ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हमें चीनी मेल्ट होने तक ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो गैस पे रख दिया मैंने फ्राई पैन, उसमें डाल दिया मैंने देसी घी, ये 1 बड़े वाला चम्मच है देसी घी का। और कुछ लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, तो इसको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी, जब तक इसके अच्छे से खुशबू नहीं आने लगे। और बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमें जलाना नहीं है इसको, खाली इसकी खुशबू आने तक या थोड़ा सा क्रंची हो जाए उतनी देर तक हमें रोस्ट करना है। तो 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से हो गए हैं क्रंची, और मैंने इसको निकाल लिया एक प्लेट में। तो 1 छोटे वाला चम्मच मैंने और ऐड कर दिया है देसी घी का। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी सेवई, ये लंबे वाली सेवई है, तो इसको पहले मैं तोड़ कर कर रही हूँ छोटा। आप ऐसे भी डाल सकते हैं तो बाद में भी ये अच्छे से हो जाती है। तो इसको जो पहले से रोस्टेड है तो इसको मैं 1-2 मिनट के लिए ही चलाऊंगी ताकि घी का फ्लेवर इसमें आने लगे। तो सारी सेवई को मैंने अच्छे से घुमाकर इसे पलटते हुए मैंने इसको चला लिया था। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं चाशनी जो बना कर रखी है चीनी वाली, इसमें धीरे धीरे करके ऐड करूंगी मैं। और गैस का फ्लेम रखा है मीडियम। तो सारा इसमें सारी चाशनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हलाते हुए इसको पकाऊंगी। जब ये थोड़ी सी ड्राई होने लगे उसी टाइम में ऐड कर दूंगी इसमें ड्राई फ्रूट्स। दो 3 मिनट के बाद ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे हैं तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। अब थोड़ा सा मैं और चलाऊंगी जब तक इसका घी जो है वो अलग नहीं हो जाता। बहुत ही टेस्टी लगती है और जल्दी भी बन जाती है। तो इसको आप कभी भी बना कर खाइए। तो सेवई बन के हो गई है तैयार। मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ। ये ठंडी होने के बाद और भी खिली खिली हो जाती है।
अब इसको मैं डाल दूंगी एक प्लेट में। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनी है। और ऊपर से लगा दिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और बादाम जो मैंने रोस्ट करके रखे हैं। तो आप इसको बनाइए और खाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू।